नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आपका मित्र स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूं कि पिछले सभी वीडियो जिसको मैंने ऑडियो लेक्चर के माध्यम से बनाया था वो सभी आपने सुने होंगे और आपके वो काम में भी आए होंगे। आज का जो टॉपिक लिया है, आज हम जानने वाले हैं राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में। राजनीतिक विचारधाराएं ऐसी जिसे आपको पढ़ के बहुत इंटरेस्ट आएगा या कई बार आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे या किसी अन्य प्रकार की किताब पढ़ते होंगे, इतिहास पढ़ते होंगे, तब आपको कुछ शब्द बहुत परेशान करते होंगे। जैसे कि आपके सामने कभी कोई शब्द आ गया कि श्रमिक संघवाद क्या होता है या अराजकतावाद क्या होता है। इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है सामंतवादी व्यवस्था के अंदर ये वाली बातें थी तो सामंतवाद क्या होता है, उदारवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया, या फिर एक नया टॉपिक और आता है कि प्रारंभिक समाजवाद क्या था, एक और शब्द आता है फेबियनवाद, तो फेबियनवाद के बारे में हम जानेंगे आज, मार्क्सवाद के बारे में, गिल्ड समाजवाद के बारे में, नाजीवाद के बारे में, नाजीवाद से तानाशाही जुड़ी हुई है तो उसको भी समझ लेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे कि फासीवाद के अंदर क्या था। तो इस प्रकार से ये प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं, जिसमें हमारा एक माओवाद भी आ जाएगा, माओवाद से निकल के मार्क्सवाद आ जाएगा, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन सभी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गिल्ड समाजवाद की। एक प्रकार से गिल्ड समाजवाद सर्वाधिकारवादी राज्य की अवधारणा के विरुद्ध श्रेणी समाजवाद की विचारधारा, फेबियनवाद और श्रमिक संघवाद के विचारों से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड में बना था। इस विचारधारा के प्रतिपादक जो थे पेंटी, हॉब्सन और डीटीएच कॉल के नाम प्रमुख रूप से हमको दिखाई पड़ते हैं। श्रेणी समाजवाद की अवधारणा जो है मार्क्सवाद के विचारों के साथ चलती है कि पूंजी जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों द्वारा उत्पन्न किए गए मूल्य का एक अल्पांश ही उन्हें दे दिया जाता है एवं शेष भाग जो है शोषण युक्त व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य मजदूरी की व्यवस्था में मूलभूत सुधार लाना रहा है। यह उद्योगों के संघों, जिसको हमने यहाँ पे गिल्ड कहा है, संघों के नियंत्रण दिए जाने का समर्थन करती है और आपस में सहयोग कर सके एवं लोगों का प्रतिनिधित्व उपभोक्ताओं के रूप में कर सके की बात भी करती है। तो कुल मिला के गिल्ड समाजवाद इस प्रकार की व्यवस्था है कि मजदूरों को उनका पूर्ण रूप से पारिश्रमिक भी मिले और जो पूंजीपति एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट न ले, इस बात की व्यवस्था गिल्डवादी समाजवाद में की गई है।